स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और दोस्त आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आई हुई है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर दोस्त आप 2020 में एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्त बताने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। तो क्या है अपडेट, चलते हैं दोस्त यहाँ पे जानते हैं कि जो आपकी यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थी घर से ही काउंसलिंग करा सकेंगे और जुलाई में उनकी होगी प्रवेश परीक्षा। तो इसके लिए दोस्त मैंने आपको पहले ही अपडेट करके बताया है कि जो आपका ग्रुप ए का एग्जाम होगा वो 19 जुलाई को होगा और ग्रुप के का जो एग्जाम होगा अर्थात लेटरल एंट्री का जो भी एग्जामिनेशन है वो कितना है, 25 जुलाई को होना है। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे क्या अपडेट किया गया काउंसलिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे दोस्त बताया गया कि कोरोना को देखते हुए पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी को दूसरे जनपद में नहीं जाना पड़ेगा और वह घर बैठे काउंसलिंग में दाखिला पा सकेंगे। तो नए सत्र में काउंसलिंग के लिए टोटल यहां पे 8 चरणों में होगी, जो आपकी प्रोसेस है वो टोटल 8 चरणों में कंप्लीट होगा। इसमें दोस्त और भी एक इम्पॉर्टेंट यहां पे न्यूज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए यहां पे टोटल आपको 8 चरणों में काउंसलिंग होनी है, जो आपका इस बार का काउंसलिंग होगा 2020 के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे दोस्त बताएं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव श्री एस के वैश सर के मुताबिक यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपके 150 हैं, 19 आपके हैं अर्ध सरकारी कॉलेज और 1122 प्राइवेट संस्थानों के लिए 3 अगस्त से जो आपकी डेट है ये भी आपकी जारी कर दी गई थी कि जो काउंसलिंग होनी है वो आपकी 3 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 19 जुलाई तक पेपर है उसके बाद ही जो यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आपका 3 अगस्त से यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे 8 चरणों का अभी लिस्ट नहीं आया है, जैसे आपका लिस्ट आता है कि कौन कौन यहाँ पे काउंसलिंग किस चरण के माध्यम से करा सकते हैं तो वो मैं दोस्त आपके लिए जैसे ही अपडेट आता है तो उसको भी वहाँ पे हम जारी कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्त बताया गया कि स्पार्ट काउंसलिंग और सेटराइज स्पार्ट काउंसलिंग खत्म हो गई है। ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी सीटें हैं, जैसे बहुत सी सीटें खाली हो जाती हैं तो स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे सीटें आपकी भरी जाती है। लेकिन इस बार से दोस्त ऐसा सिस्टम नहीं, हटा दिया गया है कि अब यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगा। इसके लिए दोस्त क्या किया है, यहाँ पे 8 चरणों में आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है इसकी चरणों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। टोटल आपको 8 चरणों के लिए काउंसलिंग यहाँ पे करवाना होगा। यहाँ पे काउंसलिंग के चरणों के लिए दोस्त अभी यहाँ पे तिथि जो है घोषित नहीं की गई है। हालांकि प्रथम चरण से 5 चरण तक प्रवेश परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे दोस्त आपके लिए इस बार एक और भी बहुत भी बड़ी अपडेट है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी देते हैं फिर भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इसमें 1 से 5 टोटल जितने आपके 1 से 5 चरण होंगे उसमें आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तभी आप उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 6, 7, 8 की, ठीक है, तो 6, 7, 8 में वे अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो कि प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं। ठीक है, तो इनको, लेकिन खास बात ये है कि जो आपका 1 से 5 तक है इनको ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। इसमें दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल सकता है, लेकिन जो 6, 7, 8 हैं, ठीक है, जो 6, 7, 8 राउंड में काउंसलिंग करवाते हैं तो इन्हें या तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या तो अर्ध सरकारी मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इनको नहीं मिलेगा। यही अपडेट है आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त बताया गया कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 19 व 20 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में मौजूद 2,40,000 सीटों पर टोटल आपके 3,84,548 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया है, जो कि आपका 19 जुलाई को एग्जामिनेशन है, 19 जुलाई को ऑफलाइन एग्जाम होगा, जबकि यहाँ पे 25 जुलाई को ये क्या होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा लेटरल एंट्री का। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने मैंने इन्फॉर्मेशन बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने
अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि दोस्त सभी इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।